हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल होवरटेक हिंदी चैनल में। दोस्तों, आज हमारे पास जो फ़ोन है वो है वन प्लस का 8। तो इसमें हमें वोल्टी की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आप हमारे सिग्नल बार्स के पास देख सकते हैं। यहाँ पर हमें 4G+ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वोल्टी का जो सिम्बल है वो शो नहीं हो रहा है। दोस्तों, इस कारण से हम यहाँ पर अपनी वीडियो कॉल्स नहीं कर पा रहे हैं और हमारी जो इंटरनेट की स्पीड है वो भी कुछ अच्छी नहीं है। तो हम इसे कैसे ठीक करेंगे, तो चलते हैं इसके लिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपना फ़ोन दिखा देता हूँ। तो इसके लिए हम सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है अबाउट फ़ोन का। तो अबाउट फ़ोन में जाकर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारा डिवाइस है वो वन प्लस का 8 है। तो ये हमारा फ़ोन हो गया और इसमें हम वोल्टी को कैसे ठीक करेंगे, तो वीडियो में चलते हैं आगे। तो दोस्तों, उसके लिए आपको वापस सेटिंग में आना है। तो इसके लिए आपको जाना होगा वाईफाई एंड मोबाइल नेटवर्क, उसके बाद जाएंगे सिम एंड नेटवर्क, उसके बाद आप जाएंगे प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका 4G सेलेक्ट होना चाहिए। अगर 4G नहीं है तो आप इसे 4G को यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सिम। तो सिम में जाएंगे। सिम में जाने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन होता है वोल्टी का, तो आपको इसे ऑन ही रखना है। ऑन कर देंगे और उसके बाद आप यहाँ पर एक ऑप्शन और देख सकते हैं, आपको मिलता है एक्सेस पॉइंट नेम। आपको इस पर टैप करना है। यहाँ पर आपकी जो APN सेटिंग है, आपकी कोई भी आपकी APN सेटिंग है, इसको आप एक बार रिसेट टू डिफ़ॉल्ट करेंगे। तो इस तरह से आपकी जो APN है, चाहे आपने कोई भी APN को सेट किया हुआ है, उसको आपको रिसेट करना है। रिसेट करने के बाद मोस्टली केस में आपका जो वोल्टी है वो वापस आ जाता है। अगर उसके बाद भी नहीं आया तो हम चलते अपनी नेक्स्ट सेटिंग में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन में एक कोड को डायल करते हैं तो उसके बाद हमारी जो फ़ोन इन्फॉर्मेशन है वो ऑन हो जाती है, लेकिन दोस्तों वन प्लस के फ़ोन में वो सेटिंग ऑन नहीं होती है अगर आप इस तरह से इस कोड को डायल करते हैं। तो आप कैसे अपने फ़ोन में उस सेटिंग को ऑन कर पाएंगे, इसके लिए आपको एक ऐप की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं हमारा जो ये ऐप है, आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, जो इसकी परमिशन है उसको अलाउ करना होगा और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका एक मेथड टू होता है एंड्रॉयड 11 के लिए। आपको इस पर टैप करेंगे, उसके बाद यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका एक प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप होता है। आपको इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा LTE ओनली, तो आपको इसे सिलेक्ट करना होगा। रन पिंग टेस्ट कर देंगे और दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है SMSC का, आपको इसे रिफ्रेश करना है और इसे अपडेट कर देंगे। बस दोस्तों, आपको यहाँ पर इतना ही करना है। उसके बाद आप यहाँ पर 3 डॉट में जाएंगे, IMS सर्विस स्टेटस देखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो वॉइस ओवर LTE कॉल है वो सारी अवेलेबल है, बाकी आपकी यहाँ पर सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ज़्यादातर मोस्टली केस में जब आप ये करते हैं तो आपका जो वोल्टी है वो वापस आ जाता है। और उसके बाद अगर आपके फ़ोन में ये अभी तक वापस नहीं आया है तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट सेटिंग में। तो दोस्तों, उसके लिए आपको वापस सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक सिस्टम का एक ऑप्शन होता है, सिस्टम में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको एक रिसेट का एक ऑप्शन मिलता है, रिसेट में जाएंगे और यहाँ पर आपका सबसे ऊपर जो ऑप्शन है रिसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ, यहाँ पर आपकी वाईफाई मोबाइल और ब्लूटूथ की जो सेटिंग है वो आपको यहाँ पर रिसेट करनी है। रिसेट करेंगे तो इस तरह से आपके जो नेटवर्क हैं वो रिसेट हो जाएंगे। तो ज़्यादातर मोस्टली केस में जब आप ये करते हैं तो आपका जो वोल्टी है वो वापस आ जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो वोल्टी है वो वापस आ चुका है। अब इसके बाद आप अपने फ़ोन में वोल्टी कॉल्स को आप यहाँ पर कर सकते हैं और आप हमारे बार्स में भी देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा वोल्टी और 4G दोनों वापस आ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बार फिर से आपको बैक जाना होगा अपनी सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों, आपको एक सेटिंग को चेक करना है। वाईफाई एंड मोबाइल नेटवर्क में जाएंगे, सिम एंड नेटवर्क में जाएंगे, प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप में जाएंगे। अगर यहाँ पर आपका 4G सिलेक्ट नहीं है तो आपको इसको फिर से 4G को सिलेक्ट करना होगा। बस दोस्तों, आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ही करना है, उसके बाद आपके फ़ोन में डेफिनेटली जो आपका 4G वोल्टी है वो वापस आ जाएगा। और अब आप दोस्तों अपने फ़ोन से वोल्टी कॉल यानी कि वीडियो कॉल आप यहाँ पर कर सकते हैं, आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपके फ़ोन में ये प्रॉब्लम ठीक होने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।